अस्सलामु अलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेसनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 23, गाजी स्लाब प्रॉब्लम 8। वो कहता है शावर को टर्न करते हैं क्लोज बाथरूम में, जिसमें स्प्लैश जो वाटर है बेयर टब के अंदर वो फिल करता है रूम एयर विद नेगेटिवली चार्ज आयन, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है हवा में जो कि ज्यादा से ज्यादा 1000 न्यूटन पर कूलम हो सकती है। अब अगर हम रूम की जो बाथरूम की डायमेंशन है वो ये मान लें सीलिंग फ्लोर और चार दीवारों की अप्रोक्सीमेट जो एयर के अंदर फील्ड होगी जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी वो हम कह देते हैं कितनी है जी, 600 न्यूटन पर कूलम। अब वो कहते हैं इन सरफेस को मानो कि क्लोज गॉसियन सरफेस है रूम के गिर्द, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालने को कह रहे हैं, नंबर ऑफ एक्सेस एलिमेंट्री चार्ज पर क्यूबिक मीटर मांग रहे हैं हमसे। तो पहले तो हम रूम का एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया। तो अगर हम देखें तो रूम की आपके पास इस तरीके से 6 साइडें बनेंगी, 4 दीवारें और टॉप और बॉटम। तो आपके पास हर चीज को मैंने डबल कर दिया है क्योंकि आपके पास लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगा, तो आपके 6 यानी एक तरह से सरफेस बनेंगी। तो वो मैंने 2 और 3 को लेके 2 टाइम कर दिया क्योंकि आइडेंटिकल होंगी ना कुछ। तो ये 37 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब आपके पास फ्लक्स है ई डॉट ए। अब आपको टोटल एरिया सरफेस एरिया पता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो हम मैक्सिमम देख लेते हैं कि भाई चूंकि उसने परपेंडिकुलर का लफ्ज यूज कर दिया था तो आपके पास वो पैरेलल नॉर्मल तो पैरेलल हो जाएंगे, उसके तो कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0 1। तो आपके पास ये 22.3 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ओके होगी बात। अब हमें नेट फ्लक्स भी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, चार्ज निकाल सकते हैं। तो फ्लक्स की वैल्यू को एप्सिलॉन नॉट से जरब देंगे, 2 × 10⁻⁷ कूलम आ जाएगा। अब उसने हमसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मांगा था, तो हम कहेंगे भाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज भी पता है। अब मैंने इसके साथ नेगेटिव क्यों लगा दिया, क्योंकि उसने खुद कहा कि नेगेटिवली चार्ज आयंस के साथ होगा, तो यहां तक तो फ्लक्स स्केलर चीज है तो हमें तो सिर्फ तादाद से गर्ज थी, तो यहाँ इसलिए मैंने नेगेटिव यूज नहीं किया। तो अब आपके पास इसमें 15 m³ बनेगा क्योंकि इन तीनों को जरब देंगे तो वॉल्यूम आपके पास 15 m³ आ जाएगा। तो इस सारे को लेकर सॉल्व करेंगे, −1.3 × 10⁻⁸ कूलम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। अब अगली चीज क्या है, नंबर ऑफ एक्सेस एलिमेंट्री चार्जेस। तो हम कहेंगे जितना चार्ज जो इनक्लोज्ड है अगर हम उसको उसके एलिमेंट्री से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेस इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर आ जाएंगे। तो ये 8.2 × 10⁻¹० आ जाएगा एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो पर क्यूबिक मीटर होंगे, इतना चार्ज जितने कह लो इलेक्ट्रॉनों की वजह से बनेगा। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।